फ्रेंड्स सभी मॉर्निंग नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फला हैरी ईएस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं हम। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं ईएस थेरेपी में यूज किए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट नंबर 72 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले 1 से लेकर 71 मेडिसिनल प्लांट के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 71 के लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि ईएस थेरेपी में यूज किए जाने वाले जो मेडिसिनल प्लांट हैं इनकी संख्या 114 है। फ्रेंड्स जिसमें 8 ब्लू फ्लेम डीज हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटीज हैं, जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। 71 की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं 72 नंबर का जो मेडिसिनल प्लांट है, तो आइए हम लोग इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है ईएस थेरेपी में बनाने के लिए, रेमडी बनाने के लिए फ्रेंड्स, और इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या है, और इसका ईएस थेरेपी में किस ग्रुप में इस मेडिसिन प्लांट को यूज किया गया है और इसके मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव यह मेडिसिन प्लांट है और यह थेरेपी है। फ्रेंड्स काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट जो लंबे समय से किसी न किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे, आज इस थेरेपी के माध्यम से वो स्वस्थ हैं। 10 साल 20 साल पुराने पेशेंट जो कि एक मर्ज की ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और कई मर्ज का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था वर्तमान में, ऐसे पेशेंट इस थेरेपी के माध्यम से, इन रेमडीज के माध्यम से आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट मेड थेरेपी है और निश्चित तौर पे बहुत ही इफेक्टिव है, जिससे पेशेंट का पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और स्वास्थ्य भी बच जाता है और एक निश्चित समय में वो ठीक भी हो जाता है। फ्रेंड्स क्योंकि इस थेरेपी का सिद्धांत है फ्रेंड्स कि बहुत लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं चलता, अधिकतम 3-4 महीने 6 महीने, कोई बहुत रेयर केस हुआ तो हो सकता है कि 9 महीने 10 महीने या 12 महीने तक जाए, उसके पहले पेशेंट को ठीक होना ही है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं पोडोफाइलम पल्टेटम, ये एक प्रकार का हर्ब है, PODOPHYLLUM PALTATUM, ये एक प्रकार का हर्ब है। इसका जो कॉमन नेम है वो है डक्स फूट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो बतख होती है उसका जो पैर होता है फ्रेंड्स आपने देखा होगा उस जैसा इसका जो शेप होता है, इसलिए इसको डक फूट के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो पार्ट यूज होता है फ्रेंड्स वो रूट यानी कि इसकी जड़ से रेमेडी तैयार की जाती है। अब इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक है फ्रेंड्स इसमें पाए जाते हैं पोडोफाइलिन्स, पोडोफाइलिक एसिड और पिक्रोपोडोफाइलिक एंड पोडोफाइलिन नामक इसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ईएच यूज यानी कि ईएच थेरेपी में इसका जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स वो किया जाता है कैंसरेसो यानी कि कैंसरेसो ग्रुप में SC10 में इसका यूज किया जाता है, और इसके साथ इसमें YE यानी कि येलो इलेक्ट्रिसिटी इससे बनाई जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में। वैसे फ्रेंड्स अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि C10 और YE में इस मेडिसिनल प्लांट का यूज किया गया है तो किन डिसीजेस के ऊपर, किस सिम्टम्स के ऊपर ये काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स आइए हम बताते हैं कि जो ये रेमडी है ये स्पेशली काम करती है फ्रेंड्स, स्पेशली अडेप्टेड टू विलियस टेम्परामेंट यानी कि जिनको कि विलियस यानी कि बाइल जो डिसऑर्डर है, उनको पित्त की समस्या रहती है, आपने देखा होगा उनको विलियस वोमिटिंग होती है और लगातार उनको एसिडिटी के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन महसूस होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा शरीर सूख जाती है, कई बार उनको दस्त शुरू होता तो दस्त रुकता ही नहीं, ऐसे टेम्परामेंट पेशेंट के लिए पर्सन के लिए यह रेमडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स डायरेक्टली टू द स्किन फ्रेंड्स ये जो रेमडी है बहुत अच्छा काम करती है, ये स्किन के ऊपर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर वर्ट है वर्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स, यानी कि आपने देखा होगा शरीर में कई जगह वर्ट निकल जाते हैं, गठाने पड़ जाती है, ऐसे केसेस में यह रेमडी बहुत ही इफेक्टिव है। कैंसरेस ग्रुप की जो C10 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमडी है। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार का वर्ट हो, शरीर के अंदर हो, एक्सटर्नल पार्ट में, इंटरनल पार्ट में, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री जो ट्रैक्ट है, जो कैनल है, अगर उसके अंदर कहीं भी वर्ट है और सोनोग्राफी में कि जो भी आपने जाँचें कराई हैं अगर निकल गया है, ऐसे कंडीशन में यह रेमडी बहुत ही इफेक्टिव रेमडी है। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि इट इफेक्ट चीफली टू दी ड्यूडेनम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लीवर, रेक्टम एंड गैस्ट्रो इंटराइटिक्स, यानी कि फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है काम करती है
हमारे लीवर के ऊपर काम करती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है यानी कि इंट्रेस्टिस है यानी कि जो हमारा आंतों का इन्फ्लेमेशन है, ऐसे केसेस के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जैसा कि अपने बताया कि बहुत अच्छा ये काम करती है यानी कि जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है उसके ऊपर भी काफ़ी हेल्पफुल है। और जो भोजन कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दस्त होती है यानी कि ऐसे कंडीशन में जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ऐसे कंडीशन में ये पॉइजन को ख़त्म करती है, वर्ट बाम्स को भी ख़त्म करती है और आसानी से जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है यानी कि इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट को नाभि के आसपास अर्बिकल जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरोड़ महसूस होता है, उसके बाद दस्त होती है। इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम्स यह है कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दस्त होती है। पेशेंट को कई बार ये लगता है कि हमने ना तो इतना पानी पिया ना तो इतना खाना खाया, फिर इतना दस्त कैसे हो रही है। वाइट कलर का दस्त बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है, उसमें से जेली टाइप से म्यूकस टाइप से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी याद की जाती है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है फ्रेंड्स। वोमिटिंग लगातार बनी रहे और लूज मोशन भी बना रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, जेली बनी रहे, ऐसे कंडीशन में पोडोफाइलम को याद किया जाता है फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार के अगर वार्म इन्फेक्शन की वजह से अगर ऐसा हुआ है उस कंडीशन में आपको बारमोन दे देना है और उसके साथ साथ आपको सीटेन जरूर देना चाहिए। अगर ऐसा आप देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं कि पोडोफाइलम के बारे में जो हमने जानकारी दी है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।